अगर राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ते हैं तो क्या प्रियंका वहां से लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं? पार्टी के एक बड़े नेता ने कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं। दरअसल राहुल रायबरेली सीट ही रखेंगे, ये इशारा उसी दिन मिल गया था जब राहुल गांधी के नामांकन में रायबरेली पहुंची सोनिया गांधी ने अपना बेटा रायबरेली की जनता को सौंपने की बात कही थी। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं, अपना बेटा सौंप रही हूं, जैसे आपने मुझे अपना अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेगा। प्रियंका गांधी के भाई राहुल गांधी ने भी इसका संकेत दिया जब दो दिनों पहले जनता का आभार व्यक्त करने वो वायनाड पहुंचे। नाउ आई हैव ए डायलेमा इन फ्रंट ऑफ मी। इप्पो എന്റെ മുന്നിൽ വലിയ ഒരു ധർമ്മ സങ്കടമുണ്ട്. ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വിൽ ഐ ബി മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെന്റ് ഓഫ് വയനാട് ഓർ വിൽ ഐ ബി മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെന്റ് ഓഫ് റായ്ബറേലി. അഭി തക് ചുനാവി രാജനീതി സെ ദൂർ രഹി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ക ഗ്രാഫ് ലോക്സഭാ ചുനാവ് മേ കോൺഗ്രസ് കെ ബെഹ്തർ പ്രദർശൻ സെ ബഡ്നെ ലഗാ ഹൈ. 2024 കെ ചുനാവ് മേ രാഹുൽ ഗാന്ധി കെ സാത്ത് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി കി സബ്സെ ബഡി സ്റ്റാർ പ്രചാരക് സാബിത് ഹുയി. माना जाता है कि अमेठी लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी को ही चुनाव मैदान में उतारे जाने की योजना थी। अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार किशोरीलाल शर्मा की जीत में भी प्रियंका गांधी का योगदान अहम माना गया। सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। प्रियंका गांधी का सक्रिय राजनीति में पदार्पण फरवरी 2019 में हुआ, जब 2019 लोकसभा चुनाव से ऐन पहले प्रियंका गांधी को पार्टी महासचिव बनाया गया। उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए पार्टी का प्रभारी भी बनाया गया। तब से लेकर आज तक उनकी चुनावी राजनीति में एंट्री को लेकर कयास लगते रहे हैं। कहा जाता है कि प्रियंका की चुनावी एंट्री को लेकर गांधी परिवार में भी एकमत नहीं रहा है। इससे पहले भी राहुल गांधी बहुत सालों तक रहे, कोई दिक्कत तो पेश नहीं कर पाए। अब प्रियंका गांधी आएंगे तो आने दीजिए, सबका स्वागत है। और इससे पहले भी हम गांधी परिवार से लड़े हैं और ये जो परिवारवाद है और भी अच्छा दिखेगा फ्लोर पे, लोग देखेंगे दोनों आंखों से कितना परिवारवादी है ये लोग। वैसे कांग्रेस को ये डर भी है कि अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी सांसद बनती हैं तो इससे सत्तारूढ़ दल बीजेपी को परिवारवाद के मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला करने का एक और बड़ा हथियार मिल जाएगा। ऐसे में अगर प्रियंका गांधी एक बार फिर चुनावों से दूर रहने का फैसला करती हैं तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही होगी। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।